الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे मोहतरम दोस्तों अजीज साथियों, जो महीना है इंसानी का महीना है और ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से छठा महीना है। ये वो महीना है कि जिस महीने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, यार ग़ार हैं। तो ये वो वाहिद सहाबी हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरे 23 साल तक रहे, यानी हुजूर जो है नबी बनने के बाद इस दुनिया के अंदर 23 साल तक हयात रहे, 23 साल तक ज़िंदा रहे। तो 23 साल तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे, यानी 23 साल में कोई लम्हा, कोई सेकंड, कोई मिनट ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई एक वाकया भी ऐसा नहीं है कि जिस वाकये में, जिस जंग में, जिस सफ़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के साथ ना हो। हर सफ़र में और हर मामले में, यहाँ तक के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा की शादी करें तो तमाम सहाबा को तो खुशी थी शादी की, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर से पूछा कि या रसूलुल्लाह, फ़ातिमा की शादी तो कर रहे हो लेकिन फ़ातिमा की शादी के लिए कुछ जमा करे नहीं, कुछ है नहीं आपके पास? अब भी शादी होती ना तो जो ख़ास ख़ास लोग रहते हैं ना वो ये बात पूछते, वरना जो हमारे जैसे लोग रहते हैं वो तो पूछते दावत कब है, दावत खाना दोपहर में है शाम में है, बस मेरे को खाना बताओ, क्योंकि मेरे को खाना खाने का है, आगे बस तो कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि रसूलुल्लाह, आप ये बताएं कि हज़रत फ़ातिमा के लिए कुछ जोड़ा है नहीं है, कुछ सोना चांदी कुछ तो भी सामान देने के लिए? तो हुज़ूर ने जब सुना ये अल्फाज उनकी ज़बान से तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में भी आंसू आ गए। कहा कि सब लोग मुझ तक तो पहुँचे लेकिन मेरे दिल तक जो पहुँचे वो हज़रत अबू बकर है, कि जो सिर्फ़ मेरे दिल तक पहुँचे, जिन्होंने मेरे दिल की बात कही है। तो तमाम नबियों के बाद इस ज़मीन पर, इस धरती पर अगर कोई अफजल हैं तो वो सहाबा हैं। सहाबा की जमात एक ऐसी जमात है कि वो नबियों के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल जमात जो है वो सहाबा की जमात है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबियों के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम इंसानों में से मेरे सहाबा को चुना, और उन तमाम सहाबा में से 1,24,000 1,25,000 सहाबा में से हुजूर ने फरमाया 1,25,000 सहाबा में से अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे 4 सहाबी को चुना, जो खुलाफा राशिदीन है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो फरमाया कि ये 4 वो हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे सहाबा में से चुना है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को कोई बुरा भला ना कहे, मेरे सहाबा को कोई बुरा भला ना कहे। क्यों? हुजूर ने फरमाया कि सहाबा का एक मुट्ठी, एक मुट्ठी अल्लाह के रास्ते में देना, एक मुट्ठी से मतलब चावल, एक मुट्ठी चावल सहाबा को, सहाबा का अल्लाह के रास्ते में देना और जो सहाबा के अलावा है हम लोग, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम लोग चाहे एक पहाड़ के बराबर भी सोना दो तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं हो सकते, कि उनका ईमान ही है। हालांकि उनके ईमान के बारे में अल्लाह तबारक व ताला को ऐलान करना पड़ा, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि इस तरह ईमान लाओ कि जिस तरह सहाबा ईमान लाए तो कामयाब हो गए, तो ही हिदायत पर हो, अगर इस तरह ईमान आपका नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। बल्कि अल्लाह ताला ने ऐलान किया फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि तुम्हारा ईमान लाना काबिल कबूल जब होगा जो तुम सहाबा की तरह ईमान लाओगे।
तो ये वो मुकद्दस जमात है कि जिस जमात को अल्लाह तबारक व ताला ने नबियों के बाद सबसे अफजल जमात करार दिया है और वो सहाबा की जमात है। तो उन्हीं सहाबा में थे जो सबसे पहले सहाबी हैं वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये जो महीना है इस महीने की 22 तारीख को, 22 जमादुस सानी को, 22 जमादुल आखिर को। अब इस महीने को जमादुस सानी बोलते हैं, जमादुल आखिर ही बोलते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो इस महीने की 22 तारीख को जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई। तो आज हमारे नौजवान से पूछो ना किसी हीरो हीरो के बारे में, तो ना फट बताता वो हीरो कहाँ पैदा हुआ और मरा नहीं, मरने से पहले ना बता देता वहाँ मरेगा। लेकिन सहाबा की ज़िंदगी और जो सहाबा की कुर्बानियाँ हैं, जो सहाबा ने अपनी ज़िंदगी पूरी दीन के लिए लगाई हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए सहाबा का तज़किरा होना चाहिए, इनकी तज़किरों से हमारा ईमान ताज़ा होता है। सहाबा के तज़किरे से हमारे ईमान के अंदर तरोताज़गी पैदा होती है, एक ईमान का जोश दिल के अंदर पैदा होता है। जब हम सहाबा की ज़िंदगी नहीं, हम लोग हीरो की ज़िंदगी सुनना चाहते हैं, फ़लाँ हीरो कहाँ पैदा हुआ है, कब शादी करेगा, शादी हुई है तो कहाँ उसकी शादी, उसकी बीवी, तो ये सब चीज़ों से आदमी का ईमान बिल्कुल मुर्दा हो जाता है। तो हमारा ईमान अगर ताज़ा करना है तो सहाबा के वाक़ियात, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी महीने में वफ़ात पाए। आप जो आपका नाम है वो आपका नाम है अब्दुल काबा, काबे का बंदा, यानी ईमान लाने से पहले आपका नाम था अब्दुल काबा, काबा यानी काबे का बंदा। क्योंकि इनके जो वालिद साहब थे ना, वो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, जब ईमान क्या, हुदूस जब ये पैदा हुए थे तो ये हुदूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे हैं, यानी वाकई फील के बाद 2.5 साल के बाद पैदा हुए। जो वाकई फील है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अलम तरह कई फ़ाला रब्बों के भी असहाबिल फील के अंदर पूरा वाकया जो बयान है, उस वाकये के 50 दिन के बाद तो हुजूर की पैदाइश हुई, और उस वाकये के 2.5 साल के बाद जो है अबू बकर पैदा हुए। तो इनका जो इस्लाम लाने से पहले जो नाम है वो अब्दुल काबा नाम है। जब ईमान लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर का नाम रखा अब्दुल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा, काबे का बंदा नहीं है तू तो अल्लाह का बंदा है। और जो इनका लक़ब है वो सिद्दीक़ है, अतीक़ है, और जो इनकी कुनियत है वो अबू बकर है। अबू बकर का मतलब पहले ईमान लाने वाला, वस्साबिकून अलव्वलून, जिसने सबसे पहले हुजूर की तस्दीक की, जो सबसे पहले ईमान लाए, और जिसने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हज़रत खदीजा के बाद कुरान को सुना, वो अबू बकर हैं। तो अबू बकर का मतलब है पहले ईमान लाने वाले। तो अब ये पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद 8-10 साल के हो गए, तो इन्होंने कभी भी बुत को सजदा नहीं किया, ना कभी शराब पी पूरी ज़िंदगी में, ना कभी जिना किया। हालांकि मक्के के अंदर ये चीज़ें आम थी, जो आदमी शराब नहीं पीता उसको बेवकूफ़ बोलते थे, तो बेवकूफ़ है। अब जो आदमी जो है जिना नहीं करता था उसको पागल दीवाना मजनू बोलते थे। अब जो आदमी किसी बुत के सामने सजदा ना करे उसको तो वो लोग बेदीन बोलते थे। तो ये अबू बकर वो हैं कि इन्होंने कभी भी पूरी ज़िंदगी में ये काम नहीं करे। अब ये जब 8-10 साल के हुए तो अपने अबू जान से कहा, इनका अबू जान का नाम है अबू कुहाफा, उस्मान अबू कुहाफा, उस्मान उनका नाम है और उनका जो कुन्यत है वो भी अबू कुहाफा है। तो उनसे कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, कपड़े की, खाने की, कहा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बाप ने कहा कि आज आज जो है ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है। तो उसने कहा कि ठीक है तुझे मिलेगा, लेकिन पहले बुत के सामने सजदा कर, क्योंकि बाप को ही मालूम था इन्हें आज तक ज़िंदगी में कभी सजदा नहीं कराया बुत को। तो अबू बकर भी हैरान हो गए कि आज तो बाप से जो है मांगा, लेकिन बाप बोल रहे हैं कि बुत के सामने सजदा करना है। तो ठीक है, वाली साहब ने कहा कि ठीक है मैं बुत के सामने सजदा करूँगा, लेकिन कमरे में अंदर अकेले में। कहा कि ठीक है, तो अच्छी बात है। अब दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, अब बुत को सामने रखा, बुत से कहा मुझे खाने को, बुत कहाँ से देता भाई खाने को, जिस चीज़ को हमने अपने हाथों से बनाया है वो चीज़ हमारी मदद कैसे कर सकती है। हमारा मुश्किल कुशा हाजत रामा और जो हमारे काम बनाने वाले हैं सिर्फ वो हमारे परवरदिगार हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। अब कहा बुत से भाई खाना दो, बुत कहाँ खाना कहाँ से देता, बुत से कहा कपड़े दे मुझे कपड़े की ज़रूरत है, बुत कहाँ से कपड़े देता, बुत से कहा मुझे पीने को दो, बुत कहाँ से देता। तो उन्होंने पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, बुत को मारा, बुत के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बात जो है ना बाहर खुश है कि आज तो बड़ा लंबी बातें चल रही हैं, हो सकता है कि आज तो जो है अबू बकर जो है वो दीवाना हो चुका है बुत का। थोड़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि बुत तो टूटा हुआ है, अबू बकर एक तरफ बैठे हुए हैं। तो बाहर घसीट के लेकर आए अबू कुहाफा, और जो उनकी अम्मी थी सलमा उम्मुल खैर, उनका नाम सलमा है, उनकी जो कुन्यत है वो उम्मुल खैर है। तो उनको बाहर घसीट कर लेकर आए। तो जब बाहर घसीट के लेकर आए तो माँ से कहा कि देखो इसने ये क्या क्या है, इसने तो बुत को तोड़ दिया है, बुत को तोड़ दिया है क्या। तो माँ ने कहा कि मेरे बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहना है। कहा क्यों नहीं कहना है आपके बच्चों को कुछ, कोई तो बात होंगी। तो साहिब मिरकात ने इस वाक़े को अपनी किताब के अंदर नकल किया है। तो वालदा ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, मैं तुम्हें हमेशा एक बात बताना चाहती थी लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं हो,
तुम मेरी सुनते कहाँ हो, तो क्या है वो बात आज बताओ ज़रा, आज मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं हमल से थी, अबू बकर सिद्दीक जो है मेरे पेट में थे, उस वक्त इनका नाम अब्दुल काबा था, कि जब ये मेरे पेट में थे मैं हमल से थी, तो मैं जिस गली से जिस रास्ते से और इन पहाड़ जो पहाड़ियाँ हैं मक्के के अंदर, इन पहाड़ों के पास से गुजरती थी तो उन पहाड़ों से आवाज़ आती थी कि खुशखबरी हो, मुबारक हो, तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा है ना, अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नुम से आज़ाद कर दिया है, और जो बच्चा है इसका नाम आसमानों पर सिद्दीक है और ये अतीक है, अतीक मतलब जहन्नुम से आज़ाद है, और एक नबी आएंगे ये उस नबी की तस्दीक करेगा, उस नबी का साथ देगा, उस नबी का सहाबी बनेगा, लिहाजा इसकी परवरिश जो करना है वो बेहतरीन तरीके से करना है। ये मुझे आवाज़ आती थी। अब जब बाप ने ये बातें सुनी तो वो भी ठंडा हो गया ज़रा, चलो अच्छा ही हो सकता है, बड़ा होगा कुछ अच्छा बनेगा, तो बाप ने बात को ख़त्म कर दिया। तो अब जवान हुए, जब जवान हुए इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, इधर ये भी हैं, एक ही बस्ती के हैं दोनों, थोड़े थोड़े दूर के फासले पर घर है। आप जब कभी उमरा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, अल्लाह ताला सबको भेजाए, सबको लेके जाए, तो वहाँ जाके मालूम करना, कोई भी आपको बता देगा कि इनका घर कहाँ था, थोड़ी दूर है। तो जब बड़े हुए, जवान हुए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला दोनों बचपन से दोस्त थे, कई मरतबा सफ़र पर भी गए तो दोस्त थे। तो एक मरतबा जब जवान हो गए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला जब जवान हो गए और आपकी उम्र हो गई 38 ईयर्स, तो आप जो है ना मुल्क यमन गए तिजारत के लिए। जब मुल्क यमन तिजारत के लिए गए तो वहाँ पर एक राहिब थे, तो उस राहिब ने जब देखा हज़रत अबू बकर को तो पहचान लिया, क्योंकि इंजील में तौरात में लिखा हुआ है ना, इंजील और तौरात में लिखा हुआ है साफ, सूरह फतह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बयान फरमाया है। तो जब उसने राहिब ने, वो राहिब तो ईसाइयों का पादरी था, उसने अबू बकर को देखा तो पहचान लिया, जो हमारे किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो नबी आएंगे उस नबी के साथ ही ऐसे होंगे, ऐसा तो ये आदमी है। तो उसको बुलाया, यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला को उसने बुलाया, तो आए तो कहा कि तुम्हारा नाम सिद्दीक है। मेरा नाम से तो सिद्दीक नहीं है, क्योंकि जब कहा था नाम, लकब तो बाद में मिला ना, तो मेरा नाम तो सिद्दीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं है तो गैरत की बात, लेकिन मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, वो दिखा सकता हूँ क्या? क्या? तो उन्होंने कहा उस राहिब ने कि अपना ये कुर्ता है ना यहाँ से उठाओ। कहा मैं क्यों उठाऊँ? नहीं, उठाओ, क्या देखना है? कि आपके नाफ के ऊपर एक तिल है, तिल मैं वो देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे नाफ पर तिल है तो एक नबी आएंगे, तू उसका सहाबी बनेगा, तू उसकी तस्दीक करेगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं मालूम था, जब उस दिन उठाया तो देखा कि तिल वाकई में तिल था, वाकई में नाफ के ऊपर तिल था। अब इनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। इसी तरह मुल्क शाम के अंदर गए एक मरतबा तिजारत के लिए, तो वहाँ पर रात में सो गए, मुल्क शाम के अंदर सोए तो रात में ख्वाब दिखा कि चाँद टूटा और चाँद टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो टुकड़े टुकड़े तमाम के घर में बिखर गए, फिर वो तमाम टुकड़े जमा हुए उनकी गोद में आ गए, आँख खुल गई। और वहाँ पर एक राहिब था, बुहैरा राहिब, अब उसके पास गए, बहुत पढ़ा लिखा आलिम था ईसाइयों का, तो उसके पास गए, उससे कहा कि मुझे इस तरह का ख्वाब दिखा है चाँद टूट गया। तो उसने कहा ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। क्या? कि एक नबी पैदा होने वाले हैं अब, नहीं नहीं पैदा नहीं बल्कि पैदा तो हो चुके हैं, बल्कि एक नबी बनने वाले हैं अब, और उनका नाम मोहम्मद होगा, तुम उनकी तस्दीक करोगे, तुम उनके साथ ही बनोगे। इनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। हकीकत में हाँ, हकीकत में एक नबी, अब अल्लाह तबारक व ताला मोहम्मद को नबी बनाने वाले हैं, अब एक आदमी नबूवत का दावा करेंगे, आप उसका साथ ही दोगे, आप उसका साथ दोगे, आप उसके साथ ही बनोगे। कोई इनको भी समझ में नहीं आया। अब ये मुल्क शाम से वापस जहाँ पर आए मक्के के अंदर, तो मक्के के अंदर उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन चुके थे, चारों तरफ शोर हो चुका था, लेकिन अभी कोई ईमान नहीं लाए, चारों तरफ शोर हो चुका था। जब आए तो लोगों से सुना तो लोग अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं, एक आदमी है और वो बोलता है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये गए, सामान को छोड़ा, सब चीज़ को छोड़ा, हुज़ूर के पास गए, कहा कि आप ही हो कि जिनको अल्लाह तबारक बताया नबी बनाया है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ मैं ही हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कोई दलील है आपके पास नबी बनने की? तो हुज़ूर ने फरमाया कि वो जो ख्वाब जो तुमने कल देखा है और उस राहिब ने तुम्हें बताया है, वो चाँद का ख्वाब वो काफ़ी नहीं है? तो इन्होंने कहा कि रसूलल्लाह आप हकीकत में ही हो नबी हो, क्योंकि उनको नहीं मालूम था ना, वो तो मुल्क शाम थे। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बताया था ये ख्वाब, तो हुज़ूर ने फरमाया कि वो जो ख्वाब तुमने कल देखा है वो ख्वाब मेरी दलील के लिए काफ़ी नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि रसूलल्लाह बहुत अच्छा, यही वो ख्वाब था और आप ही नबी हो। उन्होंने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। अब उसी दिन जिस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कलमा पढ़ा, उसी दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत पर 6 लोगों ने कलमा पढ़ा। यानी हज़रत अबू बकर ऐसे नहीं कोई हमारे जैसे आदमी थे, उनकी अच्छी पकड़ थी,
जब उन्होंने छः आदमियों पर कलमे को पेश किया तो उन छः के छः ने भी कलमा पढ़ लिया। कौन है वो छः? पहले नंबर हज़रत उस्मान है, हज़रत तलहा है, हज़रत ज़ुबैर है, साद बिन वक़ास है, अबू उबैदा बिन जर्रा है, अब्दुलरहमान बिन औफ़ है। तो ये वो छः हैं कि इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत पर पहले ही दिन ही कलमा पढ़ा है। अब पहले दिन छः ने कलमा पढ़ा, दूसरे दिन मेहनत की तो तीन और कलमा पढ़ लिया तो नौ हो गए। दो दिन के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत पर नौ आदमियों ने कलमा पढ़ लिया। अब मक्के के अंदर इस्लाम की जो इजाज़त नहीं थी, खुलेआम कलमा पढ़ने की, खुलेआम दावत देने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर काबे बैतुल्लाह शरीफ के सामने बैठे हुए थे, लोगों को दीन की दावत दे रहे थे, बता रहे थे दीन के बारे में। तो उकबा बिन अबी मोहित और अबू जहल आया, तो अबू जहल ने उकबा बिन अबी मोहित से कहा कि कुछ करो। तो उकबा बिन अबी मोहित घर को गया और रस्सी लेकर आया, रस्सी, तो उसने वो रस्सी को लिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में डाला और खींचने लगा। तो जब खींचा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आह निकली तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में वो आह पहुँची। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर की आवाज़ को सुना, जब हुज़ूर की आवाज़ को सुना वहाँ से भाग कर आए, भाग कर आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिर गए। अब ये गिर गए, ये भी हैरान हो गया। उकबा बिन अबी मोहित तो बहुत बहादुर और बहुत ताकतवर इंसान था, पूरा मक्के के लोग उससे डरते थे। अबू जहल का बॉडीगार्ड थे, अबू जहल का इतना दबदबा नहीं है जितना इसका दबदबा है। अभी ने भी हैरान हो गया, ये जवान कौन है? आज तक पूरे मक्के के अंदर मेरे से मुकाबला करने कोई भी नहीं आया, ये कौन है? तो उसने तो पहचान लिया उसी बस्ती का था अबू बकर। तो उसने कहा कि भाई इनको छोड़ो, पहले इनको मारो। तो हुजूर को तो छोड़ दिया, तो हज़रत अबू बकर को मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आपके बदन से इतना खून निकला, सिर्फ नाक बाकी थी, नाक से पहचाने जा रहे थे अबू बकर हैं, वरना चेहरे पे, पूरे चेहरे पे खून था। तो लोग घर को ले गए। अब घर को लोगे तो ले गए, बेहोश हो गए। 24 घंटे के बाद होश में आया। जब होश में आया तो इधर वालिद साहब अबू कहाफा ठहरे हुए हैं, इधर वालदा ठहरे हुए हैं, और वालदा ने अपने हाथ में दूध लिया हुआ है, दूध। वालदा ने जब होश में आया तो वालदा ने कहा कि दूध पियो। कहा कि मैं दूध नहीं पीऊँगा, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे नबी का क्या हाल है। हालांकि वहाँ हुजूर का नाम लेने से लोग डर रहे हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं उस्मान भी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है हुजूर ने, हिम्मत तो थी लेकिन हुजूर ने मना किया हुआ था कि अभी हमें ये हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म नहीं मिला है कि हम खुलेआम दावत दें, अभी खुलेआम की जो है इजाज़त नहीं है। अभी इतनी इजाज़त है अपने कलमे को अपने सिल में, अपने दिल में, अपने सीने में छुपा कर रखें, खुद नमाज पढ़ते रहें, खुद जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहें, दूसरों को बताने का अभी इजाज़त नहीं मिली है, जब हुक्म मिलेगा तो बताएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे, ठीक, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में थे। अब इधर हज़रत बकर ने अपने वालदा से पूछा कि पहले मुझे ये बताओ कि मेरे नबी का क्या हाल है। अब वालिद साहब भी ठहरे हुए हैं, भाई भी ठहरे हुए हैं, वालदा भी ठहरे, उनको गुस्सा आया कि जिसकी वजह से तूने इतनी मार खाई है, जिसकी वजह से ये हाल हो गया है कि 24 घंटे के बाद तुझे होश आया है, फिर तू होश में आने के बाद उसको कुछ पूछ रहा, पहले तू दूध पी। तो उन्होंने कहा हज़रत बकर ने कि मेरे ऊपर दूध हराम है जब तक मैं ये खबर ना ले लूँ कि मेरे नबी कैसे हैं, मैं दूध नहीं पीऊँगा। अब वालदा भी समझ गई, अब जो माँ होती है ना अपने बच्चे के मिजाज को समझती है कि इसने जब कसम खा ली तो अब नहीं पिएगा। कहा कि ठीक है मैं पता करके आती हूँ। तो उसी बस्ती के अंदर एक औरत थी जिनका नाम उम्मे जमील था। अब ये जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे रुमान है, तो ये उम्मे जमील के पास गई कि भाई मेरा बेटा पूछता है उनका हाल क्या है, उनको जो है उनके बारे में बताया जाए ताकि वो दूध पी ले। तो उम्मे जमील ने कहा मैं नहीं बताऊंगी। उसने कहा कि मेरे बेटे की खातिर बताएं, अगर बताना है। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को वहाँ लेके चलते हैं। तो हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक तरफ उनकी माँ हैं, एक तरफ उम्मे जमील है, दोनों के सहारे से हुजूर के पास गए। जब दोनों के सहारे से हुजूर के पास गई तो हुजूर ने जब देखा इस तरह घिसड़ते हुए आ रहे हैं तो फ़ौरन उठे और हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है अपने कोली में भर लिया, मान का क्या कोली में भर लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा कि तुम क्यों आए, तुम्हें आना नहीं था, तुम घर में रहना थी, तबीयत ख़राब है। वो कहा कि अब आपने मुझे जो गले से लगाया है ना, मेरे सारे ज़ख्म ख़त्म हो गए, अब मुझे एक भी ज़ख्म का एहसास ही नहीं है, सारे ज़ख्म ख़त्म हो गए। तो देखो जिस वक्त में कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने तैयार नहीं है, उस वक्त में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हज़रत अबू बकर ने दिया है। और 23 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के के अंदर रहे और 10 साल मदीने के अंदर रहे। इन 23 सालों के अंदर अबू बकर के अलावा कोई ऐसा सहाबी नहीं है कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना साथ दिया हो। हर मौके पर 23 साल के पूरे अरसे के अंदर कोई एक वाकया ऐसा नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग हों। बल्कि तफसीर कबीर में रिवायत है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को लेकर आए हैं, फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना लेटर भिजाते थे लिखकर, तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि हुजूर का लिखा हुआ किसी और का है। तो बादशाहों ने कहा कि हम इस लेटर का, इस
जो है इस ख़त का कैसे यकीन करें कि उनका ही है, तो क्या किया जाए? तो साहबा ने मशवरा दिया कि हज़रत रसूलल्लाह आप एक मोहर बनवा ले, मोहर आप एक मोहर बना ले, उस मोहर को ऐसा मार देंगे तो लोग यकीन करेंगे, वरना लोग यकीन नहीं करते। तो हुज़ूर ने कहा कि ठीक है। हुज़ूर ने हज़रत अबूबकर को बुलाया, हज़रत अबूबकर को बुलाया, आओ, और उनको अंगूठी दी कि इस अंगूठी पे अल्लाह लिखवा कर लेकर आओ। तफ़सीर कबीर में यह वाक़ मौजूद है। तो हज़रत अबूबकर गए, हुज़ूर ने कहा फरमाया कि इस अंगूठी पर सिर्फ अल्लाह लिखवाना है। हज़रत अबूबकर उस अंगूठी को पकड़ते हुए जा रहे हैं और सोचते हुए जा रहे हैं सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। तो इस अंगूठी पर सिर्फ अल्लाह नहीं होना चाहिए बल्कि मेरे नबी का नाम भी होना चाहिए। मैं अपने नबी के नाम को और अल्लाह के नाम को जुदा नहीं देख सकता हूँ, तो लिहाजा मैं इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह लिखवा कर लेकर आऊँगा। अब वो लिखवाने वाले के पास गए जो लिखने वाला था, उससे कहा कि भाई इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह लिख दो। हुज़ूर ने क्या फरमाया? सिर्फ अल्लाह। इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम जुदा हूँ नहीं देख सकता, मैं एक ही साथ इन दोनों को नामों को लिखाऊंगा। तो उन्होंने नाम को लिखाया, लिखा कर देखा नहीं, चूमते हुए दिल से लगाते हुए आ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। जब हुजूर ने अंगूठी को देखा तो हुजूर ने और कहा, अबूबकर मैंने तुमसे कहा था इस पर एक नाम होना चाहिए, इस पर तो तीन नाम है। अभी हैरान हो गए, तीन नाम, मैंने तो दो नाम लिखाए थे, तीन नाम कहाँ से आ गए? या रसूलल्लाह तीन नाम नहीं बल्कि दो नाम है। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह को और आपका नाम जुदा ना हो। या रसूलल्लाह मैंने तो दो नाम लिखाए थे, तीन कहाँ से आ गए? तो हज़रत अबूबकर को बुलाया और दिखाया, तो उस पर शुरू में जो पहली लाइन थी ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मोहम्मद रसूलल्लाह और तीसरे पे अबू बकर सिद्दीक लिखा हुआ था। अभी भी हैरान हो गए, या रसूलल्लाह मैंने तो ये नहीं लिखा लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन जिब्राईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि जब हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का नाम जुदा नहीं देख सकते, तो अल्लाह ने ऐलान किया है कि मैं भी अबू बकर का और अपना हुजूर का नाम जुदा नहीं देख सकता, इसलिए मैंने जिब्राईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अबू बकर का नाम अंगूठी पर लिखाया है। ये अबू बकर की शान है। आज तो हमारे शिया लोगों से दोस्ती है ना, जो लोग हज़रत अबूबकर रज़ियल्लाहु तआला को गालियाँ दे रहे हैं और माशाअल्लाह उनकी बेटी जो आयशा है उन पर बहतान लगा रहे, इल्ज़ाम लगा रहे, उनके साथ हम खाना खा रहे, उनके साथ हम रह रहे हैं और उनके साथ हमारी जो है दोस्तियां हैं। तो ऐसे लोगों से आदमी दोस्ती ख़त्म करे कि जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानतें बरसती रहती है। और इमाम अबू हनीफा का कौल तो यह है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला का इनकार कर दे वो कुरान की एक आयत का मुनकिर है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पर गए और हिजरत पर जब गए तो गार हिरा के अंदर, गार सोर के अंदर, और गार सोर के अंदर जब सामने से देखा कि अबू जहल आ रहा है और उमैया इब्न खल्फ आ रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबूबकर दोनों गारे सोर के अंदर मौजूद हैं। तो हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डरने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आ जाएं और मेरे नबी को तकलीफ़ दें। तो उस वक्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्ला तंसुरु फ़कद नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीन कफ़रू सानियतैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो दोनों गारे सोर के अंदर थे तो उनमें से एक डरने लगा, एक को खौफ होने लगा, तो दूसरे ने कहा, यानी हुजूर ने कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आज डरने की ज़रूरत नहीं है, आज हमारे साथ अल्लाह है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला का जिक्र किया है। तो इमाम अबू हनीफा का कौल ये है कि जो आदमी हज़रत अबू बकर को नहीं मानता है, हज़रत अबू बकर को माशाल्लाह गाले देता है, बुरा भला बोलता है, उनके शान में गुस्ताखी करता है, तो वो इस आयत का भी मुनकिर है। और जो कुरान करीम की आयत तो बहुत दूर की बात है, एक नुक्ते का भी अगर कोई आदमी कुरान करीम का मुनकिर है तो इस्लाम से खारिज है, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो शिया लोग जो है वो तो पूरा कुरान को ही गलत बताते हैं, वो तो माशाल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को तो नहीं बल उनको है तो उनको ही नहीं बल्कि वो तो ये कहते हैं कि वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सिर्फ पांच सहाबी बचे, बाकी तमाम सहाबी मुर्तद हो गए। कौन? हज़रत अली, हज़रत हसन हुसैन, हज़रत फ़ातिमा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बस इनको बारे में बोलते कि भाई ये सहाबी थे, बाकी हुज़ूर के जाने के बाद सारे के सारे मुर्तद हो गए। माशाल्लाह ऐसे आदमी को जो है दोबारा कलमा पढ़ने की ज़रूरत है कि ऐसा आदमी दोबारा कलमा पढ़े। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माँ लेकर गई हज़रत अबू बकर को ऐसा घसीटते हुए, जब माँ ने देखा कि इसको इतनी मोहब्बत है, ये आदमी तो कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता ना, ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है भाई, जिसके लिए इतनी मार खाई और मार खाने के बाद भी ये कहा कि पहले मुझे मेरे नबी के पास लेकर चलो, ये तो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने सोचा तो वालदा ने खुद कहा कि रसूलल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ाए, मुझे वालदा ने खुद कहा। यानी जो इस्लाम जो फैला है ना वो ज़बानों से नहीं बल्कि वो किरदार से फैलेगा, कोई आदमी कलमा पढ़ेंगे ना वो किरदार से। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा ने तो यहाँ पर कलमा पढ़ा, अब इनके वालिद साहब भी अभी कलमा नहीं पढ़े। तो जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान ले आए उस वक्त आपके पास 40,000 दिरहम मौजूद थे, लेकिन मक्के की गलियों के अंदर बहुत सारे लोगों को अबू जहल वगैरह ने
उमैया इब्ने खल्फ ने बहुत सारे लोगों ने ग़ुलाम बनाए हुए थे लोग, तो उन ग़ुलामों को रोज़ाना मारते थे। तो जिसको भी मार पड़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि इसमें मार पड़ रही है, तो किसी सहाबी को फरमाते इनको आज़ाद करा दे। तो इसी तरह हुजूर जो है ना वो हज़रत अबू बकर को फरमाते थे बार बार, इनको आज़ाद कराएं, इनको आज़ाद कराएं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने 8 ग़ुलामों को आज़ाद कराया, 40,000 दिरहम ख़त्म हो गए। और आपने जब कलमा पढ़ा है तो आपकी 6 दुकानें थी कपड़े की, 6 दुकान, तो उन 6 दुकानों को भी इस्लाम पर ही खर्च कर दिया, ख़त्म हो गई। 6 से 5 हुई, 5 से 4 हुई, फिर 2 हुई, 3, फिर 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई, बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार, सब खत्म हो गया इस्लाम लाने के बाद। लेकिन कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं छोड़ा। इन्हें कहा पर ये क्या बात है, मैंने कलमा पढ़ा मेरी तो दुकानें ख़त्म हो गई, मेरे पास तो 40,000 दिरहम तो वो भी ख़त्म हो गए। नहीं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तन मन धन और सब चीज़ कुर्बान है। तो इन्होंने ग़ुलामों को आज़ाद किया, 40,000 दिरहम ख़त्म हो गए। तो वालिद साहब ने कहा, बड़ा अजीब आदमी है, वालिद साहब ने बेटे को कहा, अबू कुहाफा ने, अबू बकर को, ये कैसा आदमी है कि गरीबों को आज़ाद करता है। अब उनको आज़ाद कराने में अपना तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, अपना कोई फ़ायदा नहीं है। जब इन वालिद साहब ने ऐसा कहा तो इसका जवाब हुजूर ने नहीं दिया, इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। सूरह लैल, सूरह लैल, वसय जन्नबुह लतका अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का वमा ली अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुज़्ज़ा इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला। इन्होंने जो ये ग़ुलामों को छुड़ाया है माल खर्च के अपने लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए। वला सौफ़ा रज़ा अन करीब, अल्लाह तबारक व तआला अबू बकर को खुश कर देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वला सौफ़ा रज़ा, सूरह लैल। इसलिए उलमा फरमाते हैं मुहद्दिसीन कि सूरह लैल जो है वो हज़रत अबू बकर की सूरत है, और सूरह ज़ुहा वज़ुहा ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है। तो अल्लाह ने फरमाया वला सौफ़ा रज़ा, अगर करीब अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हज़रत अबू बकर को खुश कर देंगे, यानी वफ़ात होगी, वफ़ात के बाद फ़ौरन जन्नत में खुश हो गए। तो वालिद साहब ने कहा कि भाई किसी मालदार को आज़ाद करा था, कहीं और पैसा लगा था, बिजनेस में पैसा लगा था, 6 दुकानें थी, 7वीं दुकान बना था, ये क्या है ग़ुलामों को आज़ाद कराने में जो है तूने खर्च कर दिया है। और उनके वालिद साहब जो थे ना, उन्होंने 2-3 अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छे नहीं बोले। तो जब वालिद साहब ने अल्फाज अच्छे नहीं बोले तो खड़े हुए और वालिद साहब को थप्पड़ मारा। हज़रत अबू बकर ने अपने वालिद साहब को थप्पड़ मारा। जब वालिद साहब को थप्पड़ मारा तो वालिद साहब भी घबरा गए, भाई मेरे बेटे की उम्र 50 साल है, इसने 50 साल तक मेरी नाफरमानी नहीं की, मेरी हर बात मानता है, लेकिन आज मैंने इसके नबी के बारे में सिर्फ इतना सा जुमला कहा है कि उसके लिए इतना खर्चा क्यों, कौन है वो कौन होता है, उसके लिए तूने सारे पैसे खर्च कर दिए, मैंने सिर्फ इतना जुमला बोला है, जो बेटा मेरे सामने कभी बोला नहीं, 50 साल की उम्र हो गई, आज उसने मुझे थप्पड़ मारा है। तो ये कोई आम आदमी नहीं है जिसके ऊपर कलमा पड़ा है, ये कोई आम आदमी नहीं है। तो जब वो अबू कुहाफा हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के वालिद साहब हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए तो हुजूर से शिकायत की, या रसूल ये क्या सिखा रहे हो आप अपने साहबी को कि उसने मुझे मारा है। तो अबू बकर को बुलाया गया, तो हुजूर ने अबू बकर से कहा कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, इन्होंने तो आपने अपने वालिद साहब को थप्पड़ मारा। कहा कि या रसूल मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर ये मुझे मार दे टुकड़े टुकड़े कर दे मैं माफ़ी मांगने तैयार हूँ, लेकिन इन्होंने आपकी शान में गुस्ताखी की है, लिहाजा जिस शख्स ने आपकी शान में गुस्ताखी की हो मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा, हो सकता है कि मैं दोबारा थप्पड़ मार दूँ लेकिन मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा। जब वालिद साहब ने अल्फाज सुने तो वालिद साहब ने कहा कि मुझे भी कलमा पढ़ाएं, भाई एक आम आदमी तो ऐसा नहीं हो सकता ना, मेरा बेटा मेरे मुखालिफ एक आदमी के लिए हो जाए, वो कोई झूठा आदमी तो नहीं हो सकता। तो वालिद साहब ने किस तरह कलमा पढ़ाया, किरदार को देखकर कलमा पढ़ाए, जबान से नहीं, तलवार से नहीं, या उनसे कहा कि तुम कलमा पढ़ो ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि अपने बेटे के किरदार को देखकर कि मेरे बेटे को एक नबी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कोई वो आम आदमी नहीं हो सकता है। तो वालिद साहब ने भी इस मौके पर कलमा पढ़ा है कि मुझे कलमा पढ़ाए। इसलिए एक शायर ने कहा ना, परवाने को शम्मा बुलबुल को फूल बस, परवाने को शम्मा बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ को है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक़ को कुछ नहीं चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी दी है। तिर्मिज़ी की रिवायत, हुजूर ने फरमाया अंत अतीक़ुल्लाही मिनन्नार, ए अबू बकर, इशारा करके फरमाया अंत अतीक़ुल्लाही मिनन्नार, ए अबू बकर अल्लाह तबारक व तआला ने तुझको जहन्नुम से आज़ाद फरमा दिया है। और हुजूर ने एक जगह फरमाया, ये भी तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है, अंत साहिबी अल हौद व साहिबी फिल गार, कि तुम मेरे गार के भी साथी थे, यानी जब हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में रुके और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन तक हज़रत अबू बकर थे। तो हुजूर ने फरमाया अंत साहिबी अल हौद व साहिबी फिल गार, कि तुम मेरे गार के भी साथी थे और तुम मेरे हौज़े कौसर के भी साथी हो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर में से पानी निकालेंगे, शरबत निकालेंगे, और जो वहाँ का जो है बेहतरीन पानी निकालेंगे अबू बकर को देंगे, और अबू बकर पहचानेंगे कि कौन कौन है जिसके दिल में मेरा बुग्ज़ है और कौन ऐसा है जिसके दिल में मेरा बुग्ज़ नहीं है। अब भी बहुत सारे लोग जब वहाँ जाते ना तो वो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बुग्ज़ में रोज़े मुबारक से दूर ठहरते हैं, या वो बिल्कुल साइड में ठहरते हैं, इधर नहीं ठहरते कि इधर अबू बकर है। तो जिस तरह वो दुनिया में रोज़े से दूर है,
क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला उनको हौज़ कौसर से दूर फरमा देंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि अंत साहिब अल हौद व साहिब अल ग़ार, कि तुम मेरे गार के भी साथी थे, तुम मेरे हौज़ कौसर के भी साथी हो। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि लव कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है, अल्लाह के अलावा अगर मेरा कोई दोस्त होता तो अबू बकर मेरा दोस्त होता। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले ऐलान फरमाया कि जिसके दरवाजे मस्जिद नबवी के अंदर खुले हुए हैं, सब अपने दरवाज़ों को बंद कर लें, आज के बाद किसी का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, सिर्फ़ एक दरवाज़ा खुलेगा, वो अबू बकर का दरवाज़ा है। किसी का दरवाज़ा खुलेगा नहीं, सिर्फ अबू बकर का दरवाज़ा है जो खुलेगा। यानी सबके दरवाजे मस्जिद में थे, दरवाज़ा खोल मस्जिद में आ जाते थे सब। तो हुजूर ने वफात से पहले ऐलान फरमाया, अब यहाँ से कोई नहीं आएगा, ये दरवाज़े बंद कर दो, दूसरे दरवाजे से बाहर से आओ, ये दरवाज़ा अगर खुलेगा तो अबू बकर का खुलेगा, अबू बकर के अलावा किसी का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तबूक का मौका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि भाई तबूक में जाना है और वहाँ पर 100,000 दुश्मन है और सहाबा की तादाद सिर्फ 30,000 है, कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब ले लेकर आओ। तो हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घर को गए और अपना पूरा सामान ले आए, पूरा सामान, हालांकि दीवारों पर इस तरह हाथ फेरा कि कहीं कोई दीवार में अगर सुई है तो उस सुई को भी लाकर हुजूर को देना है। तो इस मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा कि आज मौका है कि मैं हज़रत बकर से आगे निकलूँगा, कि कोई मौका है, कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं अबू बकर से आगे निकलूँ, आज मैं आगे निकलूँगा। तो उन्होंने क्या, उनको नहीं मालूम था पूरा सामान लेकर आएंगे, उन्होंने क्या कहा, अपना माल जमा किया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने माल जमा किया। माल जमा करने के बाद दो जो माल है जमा करने में 50-50 किया, कि 50 को घर में रखा और 50% को हुजूर के पास लेकर आए, लेकर आए तो हुजूर को पेश कर दिया। अब हुजूर का यहाँ सवाल यह होना चाहिए था क्या लेकर आए, हुजूर का सवाल यह होना चाहिए था कि उमर क्या लेकर आए, तो हुजूर ने सवाल बदल दिया, हुजूर ने उमर से पूछा पीछे क्या छोड़ कर आए, सवाल बदल दिया, फिर पीछे क्या छोड़ कर आए। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह सवाल सुना कि हुजूर ने यह पूछा है कि पीछे क्या छोड़ कर आए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिल में सोच लिया कि बस अब काम हो गया, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछना तो ही चाहिए था क्या लेकर आए, लेकिन ये पूछा है क्या छोड़ कर आए, तो मैंने तो कहा कि आधा लेकर आऊँ आधा छोड़ कर आऊँ। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्होंने पहले ही सोच लिया कि उनका जवाब ये होगा कि पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो पूरा सामान लेकर आए। हज़रत अबू बकर आए तो हज़रत अबू बकर से पूछा क्या छोड़ कर आए, तो हज़रत उमर ने कहा कि रसूलल्लाह मैं कोई लावारिस थोड़ी हूँ, मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ, हालांकि पूरा सामान लेकर आए, पूरा सामान, यहाँ ज़कात दियो बोलो तो 2.5% में जान निकल जाती है आदमी की, कि 2.5% कैसे दूँ, और वो 2.5% देने के वास्ते, ज़कात के वास्ते आदमी कर्ज़े में चला जाता, कर्ज़े में डूब जाता, मर जाता, क्या क्या हो जाता, वो आने बहाने निकलता। यहाँ पूरा सामान लेकर आए हैं, हुजूर ने पूछा पीछे क्या छोड़ कर आए हो, तो हज़रत बकर ने कहा कि रसूलल्लाह मैं कोई लावारिस थोड़ी हूँ, पीछे मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ कर आया हूँ, पीछे कुछ नहीं छोड़ा, पूरा घर का सामान लेकर आया हूँ। तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उतारा। तो जब अपना पूरा सामान लेकर आए ना, तो जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे थे कि अभी इतना माल जमा नहीं हुआ है कि जिस माल को बेच कर या जिस माल के ज़रिए से पैसा जमा करके हम तबूक पर जा सकते हैं, तो उनके बदन पर एक जुब्बा था जिस जुब्बे की कीमत थी 32 दिरहम। तो उन्होंने सोचा कि 32 दिरहम इतना महंगा कुर्ता पहनने की क्या ज़रूरत है, बाज़ार में गए, 32 दिरहम का कुर्ता जो है, जो जुब्बा पहना हुआ था वो बेच दिया, 5 दिरहम का टाट का लिबास लिया, 5 दिरहम का बोरे का लिबास लिया टाट का, तो उसको सिलाया, पहन लिया 5 दिरहम का, बाकी जो बचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। जब पेश किया तो हज़रत जिब्राईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आए, अल्लाह तबारक होता है जिब्राईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो जब जिब्राईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हैरान हो गए कि पहले मेरे पास किस शक्ल में आते थे, आज मेरे पास उस शक्ल में आए हैं कि जिस शक्ल में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कपड़ा पहने हुए टाट का, वही कपड़ा अबू बकर ने भी पहना हुआ है। तो हुजूर ने पूछा है क्या मामला है, जो कपड़े अबू बकर ने पहने हुए तुमने पहने हुए, तो हज़रत जिब्राईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को आज अबू बकर का ये लिबास इतना पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तमाम फरिश्तों को आज यही लिबास पहनाया जाए। और अबू बकर से पूछ कर, अबू बकर तू मुझसे इस हाल में राज़ी है या नहीं है, तो मुझसे इस हाल में राज़ी है नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकर से पूछा कि जिब्राईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और अल्लाह ताला ने तुझे सलाम कहा है और तुझसे पूछ रहे हैं कि तू इस हाल में मुझसे राज़ी है या नहीं है, अल्लाह पूछ रहे हैं, अल्लाह अबू बकर से अल्लाह पूछ रहे हैं। ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए आदमी का, ईमान ऐसा मज़बूत होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं काफिन आमनू भी मुस्लिम आमन तुम भी फ़कद ही तदो, कि तुम ऐसा ईमान लाओ जैसा सहाबी का ईमान था, अपने ईमान को इतना मजबूत बनाओ जैसा कि सहाबी का ईमान था, ऐसे नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला खुद पूछ रहे हैं अबू बकर से कि तुम मुझसे इस हाल में राज़ी तो है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे, वो कहा कि या रसूलल्लाह या अल्लाह मैं राज़ी हूँ, मैं हर हाल में राज़ी हूँ, हर हाल में। यानी अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से खुशखबरी आई। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पास हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लेटी हुई थी,
तो सितारों को देख रही थी, सितारों को। तो वाली साहब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रसूलल्लाह, क्या कोई इस दुनिया में ऐसा आदमी भी है कि जिसकी नेकियां सितारों के बराबर हैं? सितारों को देख रहे थे, क्या कोई आदमी ऐसा है? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, एक ऐसा आदमी है कि जिसकी नेकियां सितारों से भी ज़्यादा हैं। तो आयशा ने पूछा कि रसूलल्लाह, वो कौन है? तो हुजूर ने फरमाया कि वो उमर है। अब इनका चेहरा थोड़ा उतर गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हारे अब्बा का नाम लूँगा? कहा कि रसूलल्लाह, मैं तो ये सोच रही थी आप ये बोलोगे कि इन सितारों से भी ज़्यादा नेकियां अबू बकर की हैं, लेकिन आपने अबू बकर मेरे वाले साहब का नाम लिया नहीं लिया, आपने उमर का नाम लिया है। तो हुजूर ने फरमाया कि पागल, आयशा से कहा है पागल कि जितनी सितारे हैं उससे कहीं ज़्यादा उमर की नेकियां हैं, उससे कहीं ज़्यादा, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रात की नेकियां ही इससे कहीं ज़्यादा हैं। एक रात की नेकियां सितारों से भी ज़्यादा हैं, जितने सितारे हैं। वाहिद आदमी है कि जिनकी इतनी नेकियां हैं वो हज़रत उमर हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो हैं कि जिनकी एक रात की इतनी नेकियां हैं कि जितनी हज़रत उमर की नेकियां हैं हर एक रात की। यानी हर मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है, हर मौके पर। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़े और फजर की नमाज़ के बाद पीछे घूम के बैठ गए, जैसे आप फिर के बैठते हैं। तो हुजूर ने पूछा कौन है आज कि जिसने किसी गरीब की मदद की है? तो सहाबा बैठे हुए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ठहरे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा रसूलल्लाह, अभी तो फजर की नमाज़ हुई है, अभी हम फजर की नमाज़ पढ़ के जाएंगे तो लोगों की मदद करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर, तू रुक नहीं जाता थोड़ी देर? तो ज़रा सब्र तो कर, अबू बकर को बोलने दे ज़रा। उमर को कहा कि तू रुक, ज़रा सब्र कर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि रसूलल्लाह, मैंने मदद की है। कि किस तरह? मैं आ रहा था तो आज मैंने अपनी बीवी को बोला था अस्मा बिनत उमैस को कि मैं आज हुजूर के साथ रहूँगा पूरा दिन, ऐसा करो फजर की नमाज़ से पहले ही मुझे खाना बना कर दे दो। तो मैं जो खाना लेकर आ रहा था, रास्ते मुझे गरीब मिला, मैंने उसको दे दिया, मदद हो गई। तो हुजूर ने दूसरा काम फरमाया, आज ऐसा कौन है कि जिसने रोज़ा रखा है? हालांकि वो रमज़ान का मौका नहीं था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर बोल पड़े, या रसूलल्लाह, रोज़ा तो रमज़ान नहीं है ना, रोज़ा रखेंगे आपके अय्याम 20 के, आपके जब आप रोज़ा रखते हो 13 14 15 का, जब रोज़ा रखेंगे आप, तो 13 14 15 तारीख नहीं है, रमज़ान नहीं है, शब रात नहीं है, शब कदर कुछ भी नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहा, उमर तू रुकने जाता ज़रा थोड़ी देर, ज़रा सब्र तो कर। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर ठहरे, कहा कि रसूलल्लाह, मैं रोज़े से हूँ आज, गरीब की मदद भी की रोज़े से। तो हुजूर ने तीसरी बात फरमाई, तीसरी बात पूछी कि आज कौन ऐसा है जिसने किसी बीमार की आदत की है? तो हज़रत उमर ने फिर कहा कि रसूलल्लाह, अभी नमाज़ हुई है ना, नमाज़ पढ़ के जाएंगे तो इबादत करेंगे। तो हुजूर ने फिर कहा, उमर तू ज़रा बैठ, सब्र कर, तो सब्र तो कर। अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ठहरे, कहा कि रसूलल्लाह, मैं अब्दुलरहमान बिन औफ की इबादत करके आया हूँ, मैंने देखा कि वो 3 दिन से नमाज़ को नहीं आ रहे, तो मैं उनके घर को गया था कि 3 दिन से नमाज़ को क्यों नहीं आ रहे, मालूम हुआ कि वो बीमार हैं, तो मैं उनकी इबादत करके आ रहा हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, जिस इंसान के अंदर ये 3 चीज़ें जमा होंगी, रोज़ा रखता होगा कसरत से, गरीबों की मदद करता होगा और बीमार की इबादत करता होगा, तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसे इंसान को जन्नत की खुशखबरी दे दो, ऐसे इंसान को जन्नत की खुशखबरी दे दो। देखो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, इनकी शान बहुत बहुत बुलंद है, बहुत मर्तबा है, बहुत मकाम है। इतनी बातें हैं अपने करने बैठे 4 जुमे भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इतना मौका होता नहीं है। लेकिन जो नस्बत है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, मैं बात काट कर आखिरी बात बता रहा हूँ, जो नस्बत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो नस्बत हज़रत अबू बकर को मिली है, वो किसी को इतनी नस्बतें नहीं मिली है जितनी नस्बत अबू बकर के लिए, वो किसी को इतनी नस्बत मिली, जैसा कि रोज़े रखे हुजूर ने भी, रोज़े रखे सहाबा ने भी, हज किया हुजूर ने भी, हज किया सहाबा ने भी, रमज़ान के रोज़े, और जिस तरह कुर्बानी है, हुजूर ने भी कुर्बानी की, तमाम सहाबा ने कुर्बानी की, हुजूर भी जंग में गए, तमाम सहाबे भी जंग में रहे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ही मिली हैं और किसी को नहीं मिली। किस तरह? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई 63 साल की उम्र में, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई 63 साल की उम्र में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई पीर के दिन, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई पीर के दिन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात से 2 साल पहले जहर दिया गया, हज़रत अबू बकर को भी अपनी वफ़ात से 2 साल पहले जहर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जहर दिया गया वो खाने में दिया गया, गोश्त में दिया गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जहाने में, खाने में जहर दिया गया, गोश्त में जहर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो साथ जो सहाबी थे, उन्होंने जब अबू बकर के साथ उस खाने को खाया, गोश्त को खाया, उनकी वफ़ात भी वहीं पर हो गई। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो खाना खा रहे थे दूसरे सहाबी, बिशर बिन बरा, उनका भी, उनकी वफ़ात भी उसी वक्त हो गई। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया, 2 साल के बाद वफ़ात हुई। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने बचा लिया, 2 साल के बाद वफ़ात हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को भी कत्ल किया गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नवासे अब्दुल्लाह
इब्ने ज़ुबैर को भी कत्ल किया गया। हुदूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के सर के नेज़े पर लटकाया गया। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नवासे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किया, और कत्ल किस तरह किया कि उनके सर को तन से जुदा किया और फिर नेज़े पर लटकाया गया। इमाम हुसैन जो हुदूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं उनके सर को भी नेज़े पर लटकाया गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो नवासे हैं अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर इनके सर को भी नेज़े पर लटकाया गया। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 15 दिन पहले सर में दर्द हुआ, बुखार हुआ वफात से पहले। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी 15 दिन पहले ही सर में दर्द हुआ, बुखार हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मदीने में हुई, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात मदीने में हुई। जिस चारपाई पर, जिस खाट पर, जिस पलंग पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा आया, उसी खाट पर, उसी पलंग पर, उसी चारपाई पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जनाजा आया। जो चादर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर डाली गई, वही चादर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे पर डाली गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कहाँ हुई है? हज़रत आयशा की गोद में। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात भी हज़रत आयशा की गोद में हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले मिसवाक तलब की, वफात से पहले मुझे मिसवाक दिया जाए, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उन्होंने अपने वफात से पहले मिसवाक को तलब किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक को चबाकर हज़रत आयशा ने दिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी मिसवाक को चबाकर हज़रत आयशा ने दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात से पहले फरमा रहे थे, हल्की हल्की आवाज़ से फरमा रहे थे, तो सहाबा ने जब सुना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे अस्सला अस्सला, मेरे जाने के बाद नमाज ना छोड़ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वफात हुई ना, वो भी अस्सला अस्सला कह रहे थे। सहाबा ने सुना तो मालूम हुआ कि वो भी नमाज के बारे में फरमा रहे हैं कि नमाज नहीं छोड़ना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से चंद सेकंड पहले फरमाया अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, या अल्लाह मुझे मेरे रफ़ीक़ों से मिला दे। कौन? जो तमाम नबी हैं उन नबियों से मुझे मिला दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे, आखिरी जुमले थे अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी आखिरी जुमले अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला थे। इतने सारे जो नस्बतें हैं वो किसी सहाबी को नहीं मिले हैं अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा। ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जिनको इतने सारे जो है नस्बतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं। और आखिरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे और तमाम नबी जन्नत में जाएंगे। तमाम नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे तमाम उम्मती में, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है तमाम के बाद। और जब आपकी वफ़ात हुई तो आपको गुसल दिया आपकी बीवी ने असमा बिन्त उमैस ने, और आपके बेटे जो अब्दुर्रहमान हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, वो पानी डाल रहे थे। तो हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो उन्होंने आपको कब्र में उतारा। जब आपकी वफ़ात हुई तो आपकी वफ़ात होने से पहले आयशा ने फरमाया अपने वालिद साहब से, अबू बकर सिद्दीक़ से, कि आपके लिए हम नई चादरें ले लें, नई चादर में आपको कफन दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे नई चादरों की ज़रूरत नहीं है, नई चादरों की ज़रूरत जिंदा को है, मुझे पुरानी चादरों में ही, जो मैं पुरानी चादर इस्तेमाल करता हूँ इन्हीं में मुझे कफन दे देना, क्योंकि वहाँ पर तो आमाल देखे जाएंगे। आमाल, आज तो कब्रों को बड़ी खूबसूरत बनाया जा रहा है भाई, ये कब्रों को चाहे आप सोना लगा लें, चांदी लगा लें, सोने की दीवार खड़ी कर लें आप, लेकिन आपको काम वही आएगा जो आपने नेक अमल किए हैं। कब्र को खूबसूरत बनाने से आदमी की ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती, अपने आमालों को खूबसूरत बनाए। तो बकर ने क्या फरमाया कि मुझे मेरी पुरानी ही दो चादरों में कफन दे दिया जाए, मुझे नई चादरों की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा उनको पुरानी जो तीन चादरों में उन्होंने उसमें ही उनको कफन दिया गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास उनकी जो प्रॉपर्टी थी सिर्फ एक गुलाम था, एक ऊँटनी थी बस, और 20 वस्क खजूर, यानी आप समझे 20 किलो खजूर, बस इतना ही। और वफात से पहले फरमाया कि तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तीन बेटे तीन बेटियां थी, तो फरमाया जो 20 वस्क खजूर हैं इनको तुम आपस में तकसीम कर लेना, और जो मेरा एक गुलाम है, मेरी एक ऊँटनी है, इसको तुम्हें रखने का हक नहीं। अपनी बेटी को कहा था, आयशा को, हज़रत उस्मा को कहा कि तुम्हें रखने का हक नहीं है, इनको मेरी वफात के बाद हज़रत उमर को दे देना, वो अपने जो है बैतुल माल में जमा कर लेंगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपका नमाज जनाजा पढ़ाया, तो आपकी जो कब्र मुबारक है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कब्र मुबारक है। तो एक आखिरी बात बता दें, तफ़सीर कबीर में यह वाक़िया मौजूद है, कंजुल अम्माल में भी वाक़िया मौजूद है। जब आपकी वफ़ात होने लगी तो आपने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत अली को बुलाया। आज मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है इसलिए बातें गला पूरा बैठा हुआ है। तो हज़रत अली को बुलाया, तो हज़रत को बुला कर फरमाया कि मेरी एक वसीयत है, जब मेरा इंतकाल हो जाए और मेरी नमाज जनाजा हो जाए, तो मेरी नमाज जनाजा हो जाए, होने के बाद मेरे जनाजे को रौज़ा मुबारक के सामने रखा जाए, रौज़ा मुबारक के सामने रखा जाए। तफ़सीर कबीर के अंदर इमाम राज़ी ने वाक़ नकल किया है। तो वहाँ सामने रखकर अली से कहा कि रौज़ा मुबारक के सामने मेरे जनाजे को रखकर हुजूर से फरमाया, या रसूलल्लाह अबू बकर हाजिर है, अबू बकर हाजिर है, बस इतना कहना। अगर अंदर से आवाज़ आए और अगर दरवाज़ा खुल जाए, उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खुल जाए, अगर दरवाज़ा खुल जाए तो मुझे रौज़ा मुबारक यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में मुझे दफन कर देना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना।
तो ऐसा ही हुआ, किससे फरमाया? हज़रत अली से फरमाया। जब वफ़ात हो गई, नमाज जनाजा हो गई, तो जनाजे को रोज़े मुबारक के सामने रखा गया और हुजूर से फरमाया कि या रसूलल्लाह, अबू बकर हाजिर है, आपका ग़ुलाम हाजिर है। तो दरवाज़ा ही नहीं खुला, बल्कि दरवाज़ा भी खुला और अंदर से आवाज़ भी आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, कि हबीब को हबीब से मिला दो, मेरा अबू बकर को मुझसे मिला दो। दरवाज़ा भी खुला, जब आवाज़ से आई तो फौरन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, साद बिन वक़ास, तलहा, ज़ुबैर अंदर गए और फौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में उसको कब्र को खोदा और हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में, यानी उनके कदमों में दफन कर दिया गया। यानी कैसी वसीयत है, ये कोई छोटे आदमी नहीं है जिनको हम ऐसा समझ रहे हैं वैसे ही। तो ये जो महीना है, ये वो महीना है कि जिस महीने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई है। आज हमारे नौजवान को पूछो सलमान खान कौन सा महीने में पैदा हुआ, इन्हें फट बोलता, लेकिन अपने सहाबी कब पैदा हुए, कब वफ़ात हुई नहीं मालूम। तो सहाबा का तज़किरा करना, ये हमारा ईमान को ताज़ा करना है। और एक और बात याद आ गई मेरे, बता देता हूँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है उस पर कोई चद्दर नहीं है। आज बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी है, बहुत सारी वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उसके ऊपर ग्रीन चद्दर है, बहुत बड़ी कब्र है और बता रहे ये हुज़ूर की कब्र है। भाई हुज़ूर की कब्र पर कोई चद्दर नहीं है, हुज़ूर को चद्दरों की क्या ज़रूरत है। और जो हुज़ूर की कब्र मुबारक है ना, वो ऐसे है, और इनके कदमों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की कब्र है, और इनके कदमों में हज़रत उमर की कब्र है। यहाँ पर हुज़ूर है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है, ऐसा नहीं, आगे पीछे भी नहीं है, बल्कि हुज़ूर है। यहाँ पर हज़रत अबू बकर है और यहाँ पर हज़रत उमर है। अब ये जो जहाँ पर जगह है खाली, इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जितनी भी YouTube पे वीडियो ऐसी मौजूद है जिनमें ये बताया जा रहा है कि हुज़ूर की कब्र है, भाई किसी कैमरे की इजाज़त ही नहीं है वहाँ पर ले जाने की। आपको यकीन ना आए तो जो लोग हज करने गए हैं, उमरा करने गए, उनसे पूछो, रोज़ा मुबारक के सामने ठहर कर अगर ज़ोर से चीखा भी तो वहाँ पर उन्हें हफ्शी खड़ा होता, अफ्रीका का काला, जाकर आए उमरा करके, इनसे पूछो, अभी जाकर आए तो वहाँ पर हफ्शी गुलाम खड़ा होता, अफ्रीका का, इतना मोटा, ऐसा मोटा होता कि मेरे जैसे 10 बन जाए, उन्हें यहाँ से उठा कर बाहर फेंक देता है। तो कैमरा ले जाने की इजाज़त कैसे हो जाएंगी। तो जितने भी YouTube पे ऐसी वीडियो मौजूद हैं कि जिनमें बताया जाता है ये हुजूर की कब्र है, ये हुजूर की, सब झूठी वीडियो हैं। हुजूर की कब्र पर कोई चद्दर नहीं है, कोई ग्रीन चद्दर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हुजूर की कब्र एक बारिश के बराबर मिट्टी है बस, और वहाँ पर कोई नहीं जाते। साल में एक मरतबा बादशाह जाता है अपने हाथों से सफाई करने के लिए, जो वहाँ का बादशाह होता है मदीने का, वो जाता है एक महीने में, एक साल में एक बार, कोई नहीं जाता, किसी को इजाज़त नहीं है। भाई यहाँ अच्छे अच्छे को इजाज़त नहीं मिल रही तो कैमरा कैसे ले जाएंगे। आज तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की एक फ़ोटो भी नहीं है। जितनी फ़ोटो और जितनी वीडियो मौजूद है सब फेक वीडियो हैं, सब फेक फोटो हैं। ये आप अपने जहन में बिठा लें, जितनी भी ऐसी वीडियो आप देखें उसके नीचे कमेंट करें ये हुज़ूर की कब्र नहीं है, ताकि उनको भी मालूम हो। हम लोग यकीन कर रहे हैं इसलिए उन्होंने और बना के डाल रहे हैं वीडियो, ये हुज़ूर की कब्र, ये हुज़ूर की, भाई हुज़ूर की कब्र नहीं है वो, हुज़ूर की कब्र पर यहाँ अपने लोगों को चद्दर चढ़ाने की इजाज़त नहीं है। हुज़ूर की कब्र मुबारक पर कौन चद्दर चढ़ा दे जाकर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कब्र मुबारक है उसकी चारों तरफ जो है वो शीशे की दीवार है, शीशे की दीवार। तो बातें तो बहुत सारी हैं, कभी इस मौके पर आएंगे तो बातें होंगी। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उमालीना इल्ला बिल्लाह।